वो समस्या बड़ी हो और तेज सुन सुन दिमाग खराब हो जाए तो उसको कह सकता है तो रात हो गई थी सारे यही कह रहे हैं कि जैन पटेल घुंठावे को नहीं पीछे क्या मैं ऊपर एक लिख के भेज दूं कि इनका टेलीफोन कनेक्ट EIC से भी हो जाए फॉरवर्ड कॉल फॉरवर्ड हाँ ये नहीं ठाऊं तो EIC ठा ले क्या है हो सकता नहीं मैं ऊपर चीफ मिनिस्टर को या चीफ सेक्रेटरी को लिखता हूँ कि वह सप्लाई का मामला गंदा है और आपका फलाना जेई का टेलीफोन या तो वो बीमार है वो टेलीफोन की पिकअप नहीं करता तो उसका ऊपर कनेक्ट करवा दो कि कुछ पोर्शन जो मेन लाइन है सर्कुलर रोड के वो सीवरेज हम एक लंबे समय तक अगर बचना है शहर को बचाना है तो वो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा जिसके लिए योजना बनाई जाएंगी। अब दूसरा अब क्योंकि सर्कुलर रोड पर नेशनल हाईवे का काम चला हुआ है कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर ओपन चैनल या सीवरेज हैं 500 मीटर के आसपास ऐसा भी टुकड़ा हमें मिला जहाँ उसको हमें पहले बनाना पड़ेगा ताकि बारिश के दिनों से पहले जब सड़क बन जाएगी तो हम उसको तोड़ नहीं पाएंगे। खासकर ये रोहतक गेट से आगे और बावड़ी गेट के आसपास का ऐसा इलाका था जहाँ पर हमें उसको बदलना पड़ेगा। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ पर भी सीवरेज के या स्टोन वाटर चैनल के जहाँ लीकेज हैं वो इन्होंने आज पूरे तरह से समय सीमा पर हमें पूरी तरह से तसल्ली करवाई है कि हम वो सारे पहले बंद कर देंगे ताकि हमारा रोड बनने के बाद उसको तोड़ा ना जाए। इसी प्रकार से सप्लाई की पानी चाहे वो जीतूवाड़ा रोड है हनुमान ढाणी की तरफ का इलाका है बाकी शहरों में जहाँ जहाँ भी गंदा पानी शहर के बीच में बहुत से एरिए ऐसे थे जहाँ पर धान जी ने भी बताया है बाकी साथियों ने भी बताया वहाँ हमने अलग से पाइपलाइन कैसे डालनी है या उसको ठीक कैसे करना है वो एक समय दोनों सारे डिपार्टमेंट से यही तरीका पूछा कि आपने पाइपलाइन की जरूरत है पाइपलाइन नहीं लो इस शहर को हमने बचाना कैसे है साफ स्वच्छ पानी कैसे पिलाना है और डिस्पोज कैसे करना है जो उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि किसी प्रकार से इसमें पार्ट टू वाले में हम स्टॉर्म वाटर चैनल और सीवरेज को भी कैसे शामिल करें। नहीं वो तो अभी उसकी तो जो पार्ट टू का तो अभी एस्टिमेट नहीं बना है अभी तो हमने आज के दिन इसको हमने दो फेज में लिया है एक रेगुलर आने वाले भविष्य के लिए 50 साल तक हमें कोई दिक्कत ना आए और एक आने वाले 10-15 साल तक हम अपने शहर को कैसे बचाएं साफ पानी कैसे पिलाएं और सीवरेज और स्टॉर्म वाटर चैनल का भी पानी और सीवरेज का पानी ट्रीट करके बाहर कैसे निकालें इन चीज़ों के ऊपर आज गहराई से हमने 2-2.5 घंटे लगाए।